गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लावा देखने को मिलेगा। एंड इस वर्ल्ड में आप माइनिंग नहीं कर सकते, आपको डर्ट कोबलस्टोन एंड वुड के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं मिलेगी और सरवाइव करना एक तरीके से इम्पोसिबल है। खैर अब चैलेंज हार्ड हो तभी तो मजा आएगा। अब इसी वर्ल्ड में मैं 100 डेज सरवाइव करने वाला हूँ और आने वाले 100 डेज में मेरे 4 टारगेट्स रहेंगे। पहला एक छोटा ट्रेडिंग होल बनाना, दूसरा फुल्ली डायमंड आर्मर, एक मस्त सा कैसल बनाना और फोर्थ एंडर ड्रैगन को बीट करना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, मैं ये 4 चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा और क्या 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा, ये तो यार वक्त ही बताएगा। और गाइस माइनक्राफ्ट का एक डे 20 मिनट्स का होता है, यानी कि 100 डेज इज इक्वल टू 33+ आवर्स। और इन 100 डेज को सरवाइव करने से पहले मैं 2 बार और मर चुका हूँ, मतलब कि इस वाली वीडियो को बनाने में मेरे को यार 50 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग गया है। तो गाइस मेरी इस 50 घंटे की मेहनत के लिए यार एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ऑन पे कर देना, मतलब ये दोनों चीजें करने में आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मेरी जो 50 घंटों की मेहनत है वो वसूल हो जाएगी। सो चलते यार आज के इस वाले खतरनाक सफर की तरफ। Day 1, अब जैसे मैं स्पॉन होता हूँ भाई मेरी आसपास की चीजों में आग लगने लगती है। अब यहाँ पर मेरा पहला मिशन था कि जिन जिन चीजों को मैं बचा सकता हूँ उनको फटाफट बचा लूँ। तो सबसे पहले मैं काउस को आजाद करता हूँ, थोड़ी वुड कलेक्ट करता हूँ, थोड़ा फूड कलेक्ट करता हूँ, और अगर मेरे को इस विलेज से बाहर निकलना था तो मेरे को वोटर चाहिए था और वोटर के लिए वोटर बकेट चाहिए होगी। तो दैट्स व्हाई मैं फटाफट इधर आ जाता हूँ इस आयरन गोलम को मारने, और फाइनली इस आयरन गोलम की मदद से मेरे को मिल जाते हैं 5 आयरन इंगट, जिससे कि मैं बकेट बनाता हूं और सबसे पहले इस लावा को शांत करता हूं। अब आसपास की लावा को शांत करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े कोबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ और रात होने से पहले मेरे को अपना एक घर बनाना था, बिकॉज ये माइनक्राफ्ट हार्डकोर है और रात के टाइम यहाँ पर इतने सारे मॉब स्पॉन होते हैं जिनसे लड़ना इम्पॉसिबल था, इसलिए यार Day 1 की रात मैं इसी छोटे से घर में बिताता हूँ। अब जैसे ही Day 2 होता है भाई मेरे गेट के सामने एक क्रीपर आके खड़ा हो जाता है। अब मैं बाहर नहीं जा सकता था। अब थोड़ी देर बाद ये जैसे ही गया अब इसके बाद इस गांव में यार मेरे काम लायक कुछ भी नहीं बचाता, तो इसलिए इस गांव में जो जो चीजें नहीं चली थी मैं उनको कलेक्ट करता हूँ और निकल पड़ता हूँ एक दूसरे विलेज की तलाश में। अब Day 2 ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन जैसे Day 3 होता है मैं पहुंच जाता हूँ एक और गांव में, और मैं जैसे यहाँ पे पहुंचता हूँ भाई इस गांव में भी आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से भी मैं जो जो चीजें बचा सकता था उनको कलेक्ट करता हूँ एंड देन इसके बाद थोड़ा कोबल स्टोन लेता हूँ एंड Day 3 की रात मैं इसी गांव में बिताता हूँ। अब इसके बाद Day 4 था और मैं डिसाइड करता हूँ कि आने वाले 100 डेज मैं इसी गांव में रहूंगा। अब इसके बाद जो विलेजर आग से बच गए थे उनको इस छोटे से रूम में लाता हूँ, बिकॉज यही मेरी मदद करने वाले हैं इन 100 डेज को सरवाइव करने में। अब इसके बाद नेक्स्ट काम करता हूँ मैं बनाता हूँ वाटर का अनलिमिटेड सोर्स, बिकॉज ये काफी ज्यादा जरूरी था। एंड इसके बाद मैं बनाता हूँ एक नेदर पोर्टल और नेदर पोर्टल में एक नई तरीके से बनाता हूँ। अब Day 5 की सुबह को अपना नेदर पोर्टल बनके तैयार हो जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको ऑन कैसे किया जाए, बिकॉज उसके लिए ग्रेवल चाहिए जो कि इस वर्ल्ड में मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहले मैं थोड़ा इन विलेजर की ब्रीडिंग करवाता हूँ, थोड़ी सैपलिंग लेके वापस से ट्री को लगाता हूँ। ट्रीज को बड़े होते मेरे को कट करना पड़ता था, बिकॉज अगर मैं इनको कट नहीं करूंगा तो इनमें आग लग जाएगी। खैर अब इसके बाद मैं 100 IQ से पोर्टल ऑन करता हूँ। अब इस तरीके से पोर्टल कैसे ऑन हुआ ये चीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, देखते कितने लोग गैस कर पाते हैं। खैर इसी के साथ Day 5 यहीं खत्म होता है। अब Day 6 की सुबह को यार आयरन गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि यार मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात थी, और साथ ही साथ अपना पोर्टल भी ऑन हो जाता है। दोबारा आयरन गोलम को मारता हूं और ये टाइम था नेदर की गहराइयों में जाने का। भाई नेदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह, और इस बार यहां पर यार मैं बिना आर्मर के जा रहा था, एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना।
खैर नेदर में आती सबसे पहले मैं थोड़ी गोल्ड नगेट्स कलेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे को गोल्ड के बूट्स बनाने थे, वरना यार पिगलिंस मेरे को देखते ही मार डालेंगे। यहाँ पर मेरे को बोन ब्लॉक मिलते हैं, जिनको कलेक्ट करने के बाद मैं जैसी माइनिंग करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ एक बेस्टियन के पास में। खैर अब इसके बाद यार मैं इस बेस्टियन में घुसता हूँ, यहाँ पर इसकी चेस्ट वगैरह देखता हूँ, और इस बेस्टियन में मेरे को बहुत ज्यादा सांप देने से रहना था, बिकॉज ब्रूटल पिगलिंस भाई मेरे को इजिली मार सकते हैं। अब मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन 100 डेज सर्वाइव करने के लिए ये चीज करना काफी ज्यादा जरूरी था। अब इस बेस्टियन से मेरे को गोल्ड ब्लॉक्स मिलते हैं, एक डायमंड की पिकेक्स मिलती है, और भी बहुत सी दूसरी जरूरी चीजें मिलती है, और इसी बीच मैं कुछ ब्रूटल पिगलिंस को भी लावा की मदद से मार देता हूं। और इसी के साथ डे 12 की शाम को मैं पहुंच जाता हूं अपने घर, और डे 13 की सुबह होते ही मेरे पास जो जो यूनिक रिसोर्सेज मिले थे मैं उनको चेस्ट में रखता हूं, दोबारा आयरन गोलम को मारता हूं, एंड इसी के साथ मेरे पास इनफ आयरन हो चुका था आर्मर क्राफ्ट करने के लिए, तो मैं बनाता हूं अपना आयरन का आर्मर। एंड देन इसके बाद आयरन के टूल्स बनाने के बाद मैं निकल पड़ता हूं एडवेंचर पे दूसरे विलेजेस को ढूंढने। कुछ दूसरे विलेजेस से यार मेरे को फ्लैचिंग टेबल, लैक्टेन, कंपोस्टर, टूल स्मिथ टेबल एंड स्मिचिंग टेबल वगैरह चाहिए थी। और फाइनली काफी ज्यादा दूर आने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक विलेज के पास में। तब मैं हार मान चुका था, लेकिन एंड मोमेंट पे मेरे को ये विलेज मिल जाता है। अब यहाँ से मैं सारी जरूरी चीजें कलेक्ट करता हूँ, आयरन गोलम को एक बेबी विलेजर की जान बचाता हूँ, और डिसाइड करता हूँ ये रात मैं इसी विलेज में गुजारूंगा। डे 19 की सुबह होती है, और मैं इस विलेज को भी बाय बोल के निकल पड़ता हूँ एक नए विलेज की तलाश में। खैर 3 दिन के बाद मेरे को एक और विलेज मिल जाता है, आते ही आयरन गोलम को मारा, और यहाँ पे मेरे को मिल जाती है एक लैक्टर्न। अब इसके बाद मैं लैक्टर्न कलेक्ट करता हूँ, थोड़ी बुक सेल्फ लेता हूँ, और फाइनली एक विलेज में मेरे को मिल जाता है ब्लैक स्मिथ का घर, जहां से मेरे को मिल जाते हैं अपने पहले डायमंड। अब इन डायमंड्स को लेने के बाद मैं सीधा घर आ जाता हूँ। अब मेरे को सिर्फ एक डायमंड मिला था, लेकिन अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए मेरे को सारी जरूरी चीजें मिल गई थी। खैर अब इसके बाद मैं बनाता हूँ एक अनलिमिटेड कोबलस्टोन जनरेटर, एंड इससे मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे कोबलस्टोन, बिकॉज ये टाइम था अपने ट्रेडिंग हॉल को बड़ा करने का। अब मैं अपने ट्रेडिंग हॉल को फटाफट बड़ा करता हूँ, एंड देन इसके बाद यहाँ पर जितने भी विलेजर थे उन सबको मैं एक एक जॉब देता हूँ। अब मेरे पास जितनी भी वुड थी उनसे मैं स्टिक बनाता हूँ, एमरल्ड स्ट्रेट करता हूँ, और लैक्टन को बार बार तोड़ के लगाने के बाद मेरे को फाइनली मिल जाती है मेंडिंग की बुक। अब मेंडिंग की बुक को लेने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश था। खैर अब इसके बाद मैं थोड़े और एमरल्ड्स कलेक्ट करता हूँ, एक शार्पनेस 3 की सोर्ड लेता हूँ। एक मेंडिंग की बुक लेने के बाद मैं फाइनली काफी ज्यादा खुश था, बिकॉज यहाँ पे यार मैंने एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल बना लिया था। और डे 37 की सुबह को मैं जाता हूं नेदर की गहराइयों में फोर्ट्रेस को ढूंढने, बिकॉज ये टाइम था ब्लेज रोड्स लेने का। One eternity later. और काफी ज्यादा नेदर में घूमने के बाद मेरे को मिल जाती है फाइनली फोर्ट्रेस, जहां पर आने के बाद मैं ब्लेज रोड्स कलेक्ट करता हूं। अब मैं नेदर में काफी ज्यादा ढूंढता हूँ, मेरे को काफी ज्यादा लूट भी मिलती है, और उसी लूट के साथ डे 44 की रात होने से पहले मैं आ जाता हूँ अपने घर। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग होल वगैरह सब कुछ टूटा हुआ है, मतलब रात के टाइम यहाँ पे क्रीपर वगैरह फटे हैं, एंड इसी के साथ मेरा एक विलेजर भी मर जाता है, जिसे देख के मैं काफी ज्यादा उदास हो चुका था। खैर इसी के साथ डे 45 को मैं इस पूरे ट्रेडिंग होल को रिपेयर करता हूँ, बचे हुए विलेजर्स को थोड़ी कैरेट देता हूं, जिससे कि ये ब्रीडिंग करके वापस पहले जितने हो जाएं। एंड इसी के साथ डे 46 की सुबह को मैं डिसाइड करता हूं कि ये टाइम है अपने डायमंड के आर्मर को बनाने का, और डायमंड का आर्मर सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता था, जो कि था यार बेस्टियन। अब ना चाहते हुए भी यार मेरे को बेस्टियन लूटनी पड़ती है, बिकॉज ये इकलौता जरिया था मेरे डायमंड के आर्मर को बनाने का। अब इसी बीच मेरे को रून पोर्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन काफी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूं एक ट्रेजर बेस्टियन में, जहां पर मेरे को मिलते हैं बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स,
एंड इसकी चेस्ट में भाई बहुत ज्यादा तगड़ा आइटम था, मतलब इतना तगड़ा आइटम जिसे देख के मेरे को एक बार को तो यकीन नहीं होता, मतलब फाइनली मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज इस क्रेट से मेरे को एक डायमंड का हेलमेट, वेस्ट, डायमंड्स, नेदराइट इंगट एंड एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है। और ये बेस्टियन मेरे लिए काफी ज्यादा लकी साबित होती है। अब इसके बाद मैं कुछ ब्रूटल पिगलिंस को मारता हूँ और इस बेस्टियन को लूटने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ दूसरी बेस्टियन को ढूंढने। अब काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मेरे को एक और ट्रेजर बेस्टियन मिलती है, और जैसे ही मैं इस वाली बेस्टियन की चेस्ट चेक करता हूँ इसमें से मेरे को मिल जाती है एक डायमंड की सोर्ड प्लस लेगिंग एंड बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स। अब इन सारी चीजों को लेने के बाद डे 64 की रात होने से पहले मैं आ जाता हूँ अपने घर, और इस बार सब कुछ ठीक ठाक था जिसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। खैर अब इसी के साथ मेरे पास जितनी जरूरी चीजें थी उनको मैं चेस्ट में रख देता हूँ, और डे 64 को मैं आ जाता हूँ अपने कोबलस्टोन जनरेटर पर, और पूरे दिन मैं बहुत 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 सारे कोबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ, बिकॉज ये टाइम था अपने कैसल को बनाने का। अब डे 65 की सुबह होते ही मैं लग जाता हूँ काम पे। ए सब, कुछ खाने को दो ना सब। अब मैंने डिसाइड करा था कि मैं जो अपने कैसल बनाऊंगा वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाके बनाऊंगा, बिकॉज अगर मैं इस लावा के आसपास बनाता तो भाई उस कैसल में आग ही लगती रहती। और इसी के साथ काफी ज्यादा ऊंचाई पे आने के बाद मैं बनाता हूं एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैं बनाने वाला था अपना कैसल। और आने वाले 14 डेज मैं काम करता हूं अपने कैसल पे। अब अपने कैसल को मैं सिर्फ एक ही चीज से बना सकता था और वो था कोबलस्टोन। अब कोबलस्टोन से मेरे को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी तो मैं लग जाता हूं अपने काम पे। और फाइनली डे 80 की रात होने से पहले यार मैंने अपने कैसल को कंप्लीट कर दिया था। बनने के बाद ये मेरे को काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था। खैर इसी के साथ डे 81 की सुबह होती है और ये टाइम था एंडर ड्रैगन को सबक सिखाने का, लेकिन उससे पहले मेरे को चाहिए थी बहुत सारी एंडर पर्ल्स, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ नेदर में पिगलिन से ट्रेडिंग करने। अब यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ा गोल्ड कलेक्ट करता हूँ, थोड़ी ब्रूटल पिगलिंस को अपने पास लाता हूँ, और आने वाले 4 डेज मेरे को लग जाते हैं भाई एंडर पर्ल्स कलेक्ट करने में। और इसी चीज मेरे को काफी ज्यादा दूसरी जरूरी चीजें भी मिलती हैं। अब डे 87 की रात को मैं आ जाता हूँ अपने घर, और ये टाइम था डायमंड के आर्मर को पहनने का, तो आयरन आर्मर को मैं लगाता हूँ स्टैंड पे और पहन लेता हूँ अपना डायमंड का आर्मर। एंड इसके बाद मैं बनाता हूं एंडर आई, और बचे हुए डायमंड से मैं बना लेता हूं एक एक्स, और ये टाइम था स्ट्रॉन्ग गोल्ड को ढूंढने का, तो मैं निकल पड़ता हूं स्ट्रॉन्ग गोल्ड को ढूंढने, जो कि मेरे को बहुत 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 दूर जाने के बाद एक विलेज में मिल जाता है। एंड इसी बीच में अपने घर भी वापिस आता हूं, बिकॉज मैं बेड ले जाने भूल गया था। और आने वाले 4 दिन मैं सिर्फ यार स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढता हूँ, और फाइनली डे 94 की सुबह होते ही मेरे को सामने की तरफ एक विलेज में स्ट्रॉन्गहोल्ड पोर्टल दिख जाता है। और डे 95 की सुबह होते होते मैं पहुंच जाता हूँ इस पोर्टल के पास में। अब इसके बाद मेरे को क्या रोक रहा था, मैं फटाफट यार पोर्टल को ऑन करता हूँ और तैयार हो जाता हूँ उस एंडर ड्रैगन के बच्चे को सबक सिखाने।
अब मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था बिकॉज इस लावा के वर्ल्ड में सर्वाइव करना मेरे लिए एक तरीके से इम्पोसिबल था। अब 2-3 बार मरने के बाद ये मेरा पहली बार था जब मैं एंडर ड्रैगन को मारने के इतने ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था। अब मैं एंडर ड्रैगन को हार्डकोर में कई बार मार चुका हूं, मेरे को पता नहीं क्यों डर लग रहा था, लेकिन ये डर मेरे अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था बिकॉज जैसे जैसे मैं एंड क्रिस्टल्स को तोड़ रहा था मेरा मोटिवेशन लेवल मानो बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरा एक बार भी निशाना नहीं चूक रहा था और इस चीज को देख के मेरे हिसाब से एंड ड्रैगन काफी ज्यादा डरा हुआ था। और देखते ही देखते मैं सारे एंड क्रिस्टल्स को फटाफट तोड़ता हूं। अब एंडर ड्रैगन हर एक कोशिश कर रहा था एंड क्रिस्टल्स बचाने की और मुझे मारने की, लेकिन आज वो मेरे से नहीं बचने वाला था। अब इससे पहले मैं लास्ट बैट लगा के इसको मारता ये मेरे को दूर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही डे 99 की रात होती है मैं मार देता हूं एंडर ड्रैगन को। और एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं काफी 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 ज्यादा खुश था। एंड इसके बाद मैं ड्रैगन एग को कलेक्ट करता हूं। अब आप मेरे चेहरे पे एक नेक्स्ट लेवल की खुशी देख सकते हो, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश था। खैर अब इसके बाद मैं जैसे इलाइटर लाने की सोचता हूं, लेकिन तब तक भाई 100 डेज कंप्लीट हो चुके थे। अब इन 100 डेज को सर्वाइव करने में गाइस मुझे पता यार मेरे को कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, बिकॉज ये 3rd या 4th चांस है जिसमें यार मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाया लावा वाली वर्ल्ड में। तो गाइस अगर वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना, चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर पे कर देना, और साथ ही साथ यार मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो वहां पे भी आ जाओ। और अगर आपको उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भाई एम करते हैं 100K लाइक्स का। अगर आप 100K लाइक्स करवा देते हो तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें हम बहुत सारी बची हुई चीजें करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूं आप सभी को ऐसी एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।